हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एच डी हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास ट्वेल्थ कंपनी अकाउंट्स रिवीजन फ्रॉम डीके गोयल टेक्स्ट बुक और अभी हम पढ़ेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम एंड इट्स री इश्यू सो अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक सो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फ्रॉम डी गोयल टेक्स्ट बुक पेज नंबर सेवन पॉइंट वन डबल सिक्स गिव जर्नल एंट्रीज फॉर फोर फीचर एंड री ऑफ शेयर्स ए एक्स लिमिटेड फोर फीटेड फाइव हंड्रेड प्रीमियम टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज ट्वेंटी पर शेयर मतलब एक्स लिमिटेड ने फाइव हंड्रेड शेयर जो कि फेस वैल्यू हंड्रेड के थे जिस पर सेवेंटी फाइव रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप था जो कि टेन परसेंटेज प्रीमियम पर अलाटमेंट के समय ड्यू था प्रीमियम का अमाउंट टेन परसेंटेज लिखा है मतलब फेस वैल्यू का टेन 10%, परसेंटेज वन हंड्रेड रुपीज का टेन परसेंटेज टेन रुपीज है जो प्रीम, जो प्रीमियम जो है वो अलाटमेंट के समय लिया गया है लेकिन ये फाइव हंड्रेड शेयर पर जब फर्स्ट कॉल किया गया ट्वेंटी रुपीज़ का तो 500 हंड्रेड शेयर्स पर फर्स्ट कॉल नहीं मिला और सेकेंड कॉल कंपनी ने अभी तक किया ही नहीं है क्योंकि कॉल्ड अप अप कैपिटल कितना है 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 मतलब अभी भी 25 से कॉल करना कंपनी को बचा अब ये शेयर्स शेयर्स हो गए आउट ऑफ़ एट पेड फॉर ने रीश्यू किए एज सेवनटी फाइव पेड अप मतलब सेवनटी फाइव पेड अप मानेगी कंपनी लेकिन ले कितना रही है सिक्सटी रुपीज ले रही है कंपनी इसका मतलब है जो डिफरेंस है फिफ्टीन रुपीज ये फिफ्टीन रुपीज जो है ये डिस्काउंट का है डिस्काउंट ऑन री ऑफ शेयर्स सो लेट एस सी द जर्नल एंट्रीज फॉर दिस नाउ सोल्यूशन फोर्टी फोर ए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें कोई भी पार्ट आप उसे छोड़े नहीं स्किप करके वीडियो नहीं देखें म्यूट करके नहीं देखें क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स हैं जो क्वेश्चन के बीच में डिस्कस होते हैं वो आपको मिस नहीं करना चाहिए अब हमें यहाँ सिर्फ फोर फीचर और रीशू की एंट्री करना है जब रीइू की एंट्री होगी तो कैपिटल रिजर्व की रेशियो की एंट्री भी बन सकती है यहाँ 500 शेयर्स हंड्रेड रुपीज़ वाले हैं लेकिन उस पर कॉल्ड अप कैपिटल सेवेंटी फाइव रुपीज़ पर शेयर है तो इसे हमें रीइश्यू करना है और नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी है मतलब इसने अलॉटमेंट का मनी दे दिया है अब यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा शेयर कैपिटल अकाउंट इसलिए डेबिट होगा क्योंकि शेयर्स फोर हो रहे हैं 500 हंड्रेड शेयर्स फोर हो रहे हैं हंड्रेड रुपीज़ वाले लेकिन उस पर अभी तक कंपनी ने सिर्फ सेवेंटी फाइव रुपीज़ ही कॉल्ड अप किया है इसलिए सेवेंटी फाइव रुपीज़ से मल्टीप्लाई होंगे अब फोरफीचर के समय में प्रीमियम पर भी ध्यान देना चाहिए और प्रीमियम अकाउंट डेबिट करके हम क्लोज करते हैं वो तब करते हैं जब प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ होता कंपनी को लेकिन यहाँ पर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का मनी दे दिया है और प्रीमियम भी अलॉटमेंट के साथ रिसीव हो गया है इसलिए अब हम अभी हम यहाँ प्रीमियम अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते हम क्रेडिट करेंगे और उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जिसमें पैसे नहीं मिले फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट शेयर फर्स्ट कॉल फाइव हंड्रेड शेयर्स पर फर्स्ट कॉल ट्वेंटी रुपीज़ का था ये नहीं मिला और जो मिल गया उस पर फोरफीट करना है सो तो उसको लिखेंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट या इसे फोरफीटेड शेयर अकाउंट भी लिख सकते हैं यह हम क्रेडिट कर देंगे फाइव हंड्रेड शेयर्स पर देखिए सेवेंटी फाइव रुपीज़ अप था उसमें से ट्वेंटी रुपीज़ नहीं मिला मतलब फिफ्टी फाइव रुपीज़ पर शेयर इस व्यक्ति ने या 500 शेयर्स पर मिल चुका है कंपनी को और ये 55 फाइव पर शेयर ही कंपनी फोर करेगी नरेशन लिखेंगे और फिर अमाउंट भी लिखेंगे बींग 500 हंड्रेड शेयर्स फोरफीटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल अमाउंट है रुपीज थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिर रुपीज टेन थाउजेंड एंड रुपीज ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये हो गया फोर फीचर की एंट्री अब इन 500 हंड्रेड फोर फीटेड शेयर्स में से 200 शेयर्स हमें रीइशू करना है मतलब बैंक में अमाउंट आएगा कंपनी 200 शेयर्स रीइशू कर रही है वेर इश्यूड एज रुपीज सेवेंटी मान लिया गया कि 75 फाइव पेड अप है लेकिन कंपनी ने 60 रुपीज ही मांगे तो 60 रुपीज से बैंक अकाउंट डेबिट होगा लेकिन बाकी का जो 15 है वो डिस्काउंट है सो so, डिस्काउंट के लिए हम फोरपीटेड शेयर से हम अमाउंट uh, लेंगे डिस्काउंट अकाउंट यहाँ नहीं खेले खोलेंगे सो शेयर फोरपीटेड अकाउंट डेबिटेड 200 शेयर्स पर फिफ्टीन रुपीज़ का डिस्काउंट आ गया टू शेयर कैपिटल क्योंकि शेयर इश्यू हो रहे हैं इसलिए शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा 200 हंड्रेड इंटू सेवेंटी सो so, कंपनी ने सेवेंटी फाइव रुपीज़ का शेयर कैपिटल इशू किया लेकिन बोला सिक्सटी रुपीज़ में ही खरीद लो बाकी का फिफ़्टीन रुपीज़ क्या हुआ डिस्काउंट हुआ और इस डिस्काउंट को हम कहाँ से मेकअप करेंगे फोर फीट फोर फीटेड अकाउंट में जो अमाउंट फोर फीट हुआ है उसी अमाउंट को हम यहाँ पर कंपनसेट करेंगे नाउ ये हो गया ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज़ यह हो गया थ्री थाउजेंड रुपीज़ और यहाँ हो गया फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ बींग टू हंड्रेड शेयर्स रिइ्यूड एट डिस्काउंट अब क्योंकि फोरफीटेड शेयर्स रीइ्यू हो चुके हैं तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि फ़ोरफीटेड अमाउंट में से कुछ अमाउंट बचा है क्या डिस्काउंट ऑन रीशू देने के बाद जिसे हमें कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है तो आपको यहाँ ध्यान दीजिए कि पर शेयर फिफ्टी फ़ाइव रुपीज़ फ़ोरफीट हुआ है और यहाँ देखिए रीशू की एंट्री में पर शेयर फ़िफ्टीन रुपीज़ ही डिस्काउंट दिया गया है मतलब फ़िफ्टी फ़ाइव माइनस फ़िफ्टीन बच गया फोर्टी रुपीज़ इसका मतलब यह है फ़ोटी रुपीज़ पर शेयर हम कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन सिर्फ उन्हीं शेयर्स का जो रीशू हुए हैं फ़ाइव हंड्रेड शेयर्स का नहीं जो रीइ है हैं उनका हमें ट्रांसफर करना है सो so, हम कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री अब करेंगे सो शेयर फोर फीटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व देखिए फिफ्टी फाइव रुपीज फोर फीट हुआ था उसमें से फिफ्टीन रुपीज डिस्काउंट दे दिए और कितने शेयर्स रीइू हुए हैं टू हंड्रेड शेयर्स रिश्यू हुए हैं सो so, फोर्टी रुपीज 200 ये हो जाएगा एट थाउजेंड रुपीज एट थाउजेंड रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व यही वो स्टेप है और एंट्री है जहां पर हम घूम जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा बहुत आसान है जितना अमाउंट फोर हुआ है उसमें से डिस्काउंट को लेस करिए पर शेयर बचा हुआ अमाउंट पता चल जाएगा और नंबर ऑफ शेयर्स रीइ्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर ए सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर बी एक्स लिमिटेड फोर थ्री हंड्रेड ऑफ रुपीज वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव कॉल्ड अप इशूड एट परसेंटेज प्रीमियम टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज़ थर्टी पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज ट्वेंटी पर शेयर मतलब यह है कि एक्स लिमिटेड ने अपने थ्री हंड्रेड शेयर्स जो जिसका फेस वैल्यू हंड्रेड रुपीज़ है जिस पर सेवनटी फाइव रुपीज़ कॉल्डअप है और ये शेयर्स टेन परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू प्रीमियम पर इशू हैं और प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही ड्यू किया गया था और इन शेयर्स पर फर्स्ट कॉल भी ट्वेंटी रुपीज़ का किया जा चुका है और इन थ्री हंड्रेड शेयर्स पर ना तो अलॉटमेंट का अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया है ना फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव किया है इसलिए कंपनी ने इन थ्री हंड्रेड शेयर्स को फोरपीट कर लिया है आउट ऑफ दीज वन हंड्रेड शेयर्स वेर रीइूड एज फुल्ली पेड अप इन सच अ वे दैट रुपीज थर्टी वन हंड्रेड वर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अब इन फोरपीटेड थ्री हंड्रेड शेयर्स में से कंपनी ने सिर्फ वन हंड्रेड शेयर्स रीइू किया है और इस रीइू करने में कंपनी को थर्टी वन हंड्रेड रुपीज़ कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफ़र हुआ है तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि कंपनी ने कितने कितने रुपीज़ में ये वन हंड्रेड शेयर्स को इशू किया है और कितना डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट देने के बाद कैपिटल रिज़र्व का अमाउंट थर्टी वन हंड्रेड है सो लेट अस फाइंड आउट द सोल्यूशन सो सोल्यूशन फोर्टी फोर बी एक्स लिमिटेड ने 300 हंड्रेड शेयर्स फोरपीट किए हैं सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से डेबिट होगा 300 हंड्रेड शेयर्स हैं और सेवनटी फाइव रुपीज़ कोल्ड अप है इसलिए सेवेंटी फाइव रुपीज़ से डेबिट होगा लेकिन यहाँ पर अलाटमेंट का मनी भी नहीं मिला है तो अलाटमेंट के साथ प्रीमियम भी नहीं मिला है इसलिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को भी हम डेबिट करके क्लोज कर देंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व ये भी थ्री हंड्रेड शेयर्स पर टेन परसेंटेज अब टेन परसेंटेज फ़ेस वैल्यू ऑफ शेयर का होना है हंड्रेड रुपीज़ का शेयर है और उसका टेन परसेंटेज होगा टेन रुपीज़ सो so, टेन रुपीज़ से मल्टीप्लाई कीजिए अलॉटमेंट मनी का टेन परसेंटेज होगा ऐसा नहीं है फेस वैल्यू का टेन 10%, परसेंट हंड्रेड रुपीज़ का टेन परसेंटेज टेन रुपीज़ अब क्रेडिट में हम वो लिखेंगे जिस पर हमको कंपनी को पैसा नहीं मिला है सो शेयर अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला है शेयर अलॉटमेंट में थ्री हंड्रेड शेयर्स पर थर्टी रुपीस जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है वो नहीं मिला और टू शेयर फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल पर भी थ्री हंड्रेड शेयर्स पर ट्वेंटी रुपीस पर शेयर के हिसाब से अमाउंट नहीं मिला है और यहाँ एक और फोर शेयर अब देखिए यहाँ सेवेंटी फ़ाइव प्लस टेन डेबिट में कितने हुए एटी फाइव यहाँ पर है क्रेडिट में थर्टी प्लस ट्वेंटी हो गया फिफ्टी रुपीज़ सो एटी फाइव माइनस फिफ्टी हो जाएगा कितना थ्री हंड्रेड शेयर्स पर थर्टी फाइव रुपीज़ कंपनी ने फोरफीट कर लिए मतलब इतना रुपीज़ वो शेयर होल्डर्स दे चुके थे कंपनी को एप्लीकेशन के समय क्योंकि अलॉटमेंट से तो उन्होंने पैसा नहीं दिया तो एक ही अमाउंट उन्होंने दिया था वो भी एप्लीकेशन का था और वो थर्टी फ़ाइव रुपीज़ का हुआ होगा कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि एप्लीकेशन मनी क्या था बताइए तो आप आपको इस तरीके से भी अपनी सोच डेवलप करनी है कि क्वेश्चन में कोई भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन आपसे पूछे तो आप उसे निकाल सकें यहाँ अब इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों अमाउंट को तो आएगा ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और यहाँ आएगा थ्री थाउजेंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अलॉटमेंट में आएगा नाइन थाउजेंड फिर फर्स्ट कॉल में आएगा सिक्स थाउजेंड और थर्टी फाइव इंटू थ्री हंड्रेड करेंगे अमाउंट आएगा टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बींग थ्री हंड्रेड शेयर्स फोरपीटेड नाउ अब हमें शेयर्स को रीइ्यू करना है और देखिए पहले आप इधर ध्यान दीजिए कि फोरपीटेड अमाउंट कितना 35 रुपीस है थर्टी फाइव रुपीज पर शेयर है और हंड्रेड शेयर्स ही हम री इशू कर रहे हैं सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा बैंक अकाउंट डेबिट इसका अमाउंट हमें नहीं पता है और क्योंकि हंड्रेड शेयर्स रीइू हो रहे हैं तो फोरपीटेड अमाउंट कितना होना चाहिए आउट ऑफ टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हंड्रेड इंटू थर्टी फाइव ही इस हंड्रेड शेयर को बिलोंग करता है और क्वेश्चन में लिखा है थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज फोरफीटेड अमाउंट है उसमें से थर्टी वन हंड्रेड रुपीज ही कैपिटल रिजर्व में गया मतलब फोर हंड्रेड रुपीज का हमने डिस्काउंट दे दिया तो यहां लिखेंगे हम फोरफीटेड फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड कितना हंड्रेड शेयर्स पर फोर फोर रुपीज़ लिखेंगे तभी फ़ोर हंड्रेड रुपीज़ यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ क्या बनता है हंड्रेड शेयर्स का थर्टी फ़ाइव रुपीज़ के हिसाब से इसमें से थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज़ इन हंड्रेड शेयर्स के हैं और हम कैपिटल रिजर्व में थर्टी फाइव हंड्रेड में से थर्टी वन हंड्रेड ट्रांसफ़र कर रहे हैं मतलब फोर हंड्रेड का हम डिस्काउंट दे रहे हैं अब ये जो फोरफीटेड शेयर हैं इन इनका वैल्यू कितना है सेवेंटी फाइव रुपीज़ पर शेयर ही है क्योंकि कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल नहीं किया है सो हमको कंपेयर किससे करना है प्रेजेंट वैल्यू मतलब सेवेंटी फाइव रुपीज़ से ही कंपेयर करना है तो डिस्काउंट तो बैंक में कितना आया होगा सेवेंटी वन हंड्रेड रुपीज़ सेवेंटी वन रुपीज़ पर शेयर आया होगा मतलब सेवेंटी वन हंड्रेड रुपीज़ आया है और लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट वन हंड्रेड इंटू सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम फाइनल कॉल ट्वेंटी फाइव रुपीज़ का अभी तक कंपनी ने नहीं किया है इसलिए सेवेंटी फाइव हंड्रेड बींग वन हंड्रेड शेयर्स रीइश्यूड अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे सो फोर शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व being transferred to capital reserve. देखिए हंड्रेड शेयर्स का थर्टी फाइव रुपीज के हिसाब से थर्टी फाइव हंड्रेड बनता था उसमें से हमने अगर फोर हंड्रेड रुपीज डिस्काउंट देंगे तभी जाकर के इस, इसका कैपिटल रिजर्व कितना आएगा थर्टी वन हंड्रेड रुपीज आएगा तो हम जब ये इक्वेशन बिठाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये डिस्काउंट कितना है फोर हंड्रेड रुपीज़ का है और हंड्रेड शेयर्स पर है इसका मतलब है कि हंड्रेड शेयर्स पर फोर रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ही डिस्काउंट दिया गया है so सो सेवेंटी फ़ाइव रुपीज़ में से फोर रुपीज़ अगर आपने डिस्काउंट दे दिया तो बैंक में सेवेंटी वन रुपीज़ पर शेयर ही रिसीव होगा सो दैट इज़ द सोल्यूशन मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखते हैं और जो एक्सप्लेनेशन है उसे गौर से सुनते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत सारे डाउट्स जो है वो आपके क्लियर नहीं हो पाते हैं Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.